तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, आज राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह राजस्थान का 200वां आईपीएल मैच है। टीम में एक बदलाव जरूर किया गया, ट्रेंट बोल्ट यह मैच नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह एडम जंपा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जब पारी की शुरुआत की गई तो यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर क्रीज पर आए, वहीं आकाश सिंह ने पहले ओवर में गेंदबाजी की और उन्होंने पहले ओवर में 14 रन दिए। यशस्वी ने पहले ओवर में 3 चौके जरूर लगाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि यशस्वी की तूफानी पारी के दौरान 3 ओवर के बाद राजस्थान ने बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना लिए थे और यशस्वी और बटलर ने टीम की तेज शुरुआत दिलाई। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान की एक मजबूत शुरुआत हुई और उसके चलते यशस्वी का अर्धशतक लग चुका था। 7 ओवर के बाद राजस्थान ने बिना किसी विकेट गंवाए 75 रन बना लिए थे और फिलहाल यशस्वी जायसवाल 26 गेंदों पर 50 रन और जोश बटलर 16 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब जोश बटलर का विकेट गिरा तो राजस्थान को 90 ओवर में 86 के स्कोर पर पहला झटका लगा और रविंद्र जडेजा ने जोश बटलर को शिवम दुबे के हाथों कैच कराया। फिर दोस्तों, जब राजस्थान का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा तो 11वें ओवर के बाद राजस्थान ने एक विकेट गंवाकर 104 रन बना लिए थे। ठीक वहीं राजस्थान को एक ओवर में 2 झटके लगे और 14वें ओवर में तुषार देशपांडे ने 2 विकेट झटके उन्होंने कप्तान संजू सैमसन को ऋतुराज की गायकवाड़ के हाथों कैच कराया, वहीं 17 गेंदों में 17 रन बना सके थे। इसके बाद मैदान पर जम चुके थे यशस्वी जायसवाल को रहाणे के हाथों कैच करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बताते हैं आपको इस मैच के रिगार्डिंग कंप्लीट खबर, बस बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पे जो भी जानकारी देते हैं वो एकदम सटीक जानकारी देते हैं। तो फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान ने चेन्नई को 203 रन का लक्ष्य दिया है और यशस्वी ने 43 गेंदों में 77 रन बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 203 रन का लक्ष्य रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 202 रन बनाए। राजस्थान की शुरुआत शानदार रही थी। यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 50 गेंदों में 86 रन जोड़े। इस साझेदारी को रविंद्र जडेजा ने तोड़ा, उन्होंने जोश बटलर को शिवम दुबे के हाथों कैच कराया, वह 21 गेंदों में 27 रन बना सके। दूसरे छोर पर यशस्वी ने ताबड़तोड़ शॉट लगाए और 26 गेंदों में आईपीएल करियर का छठा अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 14वें ओवर में तुषार देशपांडे ने 2 विकेट झटके, उन्होंने पहले कप्तान संजू सैमसन को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराया। सैमसन 17 गेंदों में 17 रन बना पाए। इसके बाद यशस्वी को रहाणे के हाथों कैच कराया। यहां दोस्तों, यशस्वी 43 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 77 रन बना सके। सिमरन हेटमायर कुछ खास नहीं कर सके और 8 रन बनाकर महेश दीक्षणा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो चुके। इसके बाद ध्रुव जुरेल और देवदत्त पाडिकल ने 5 विकेट के लिए 21 गेंदों में 48 रन की साझेदारी निभाई और ध्रुव जुरेल 15 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हो चुके थे।